दोस्तों, आर्यन खान 28 दिन बाद अपने घर पहुंच तो गए, मगर जो कुछ भी आर्यन के साथ पिछले दिनों हुआ वो किसी ट्रॉमा से कम नहीं रहा। और अगर किसी को लगता है कि आर्यन फिर से नॉर्मल जिंदगी में लौट चुके हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्यन वो आर्यन रहे ही नहीं, बल्कि आर्यन की मेंटल कंडीशन बेहद खराब बताई जा रही है। और जो खबरें आ रही हैं वो शाहरुख खान और गौरी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शाहरुख पैसों के दम पर भले ही बेटे को जमानत तो दिलवा लाए, मगर सामने आ रहा है कि आर्यन की मानसिक हालत स्थिर नहीं है। घर पहुंचते ही आर्यन ने बेहद अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया, बड़बड़ाना शुरू कर दिया, किसी से बात करना तो दूर, आर्यन किसी से ठीक से मिले भी नहीं और सीधे मन्नत में थर्ड फ्लोर पर अपने कमरे में चले गए। आर्यन के बर्ताव से मन्नत में मौजूद सभी लोग बेहद चिंतित नजर आए, खास तौर पर शाहरुख और गौरी। आर्यन की हालत को देखते हुए शाहरुख और गौरी ने तुरंत मेडिकल टीम को भी बुलाया। तो घर पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे आर्यन को लेकर एक बार फिर से शाहरुख और गौरी बेहद मायूस नजर आए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को 28 दिन बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। जैसे ही आर्यन जेल से बाहर आए तो वो सीधे अपने पापा की गाड़ी में बैठ गए। आर्यन ने किसी से नजरें भी नहीं मिलाई, ना ही किसी की तरफ देखा और सीधे बॉडीगार्ड रवि के साथ रेंज रोवर में बैठ गए और भारी भरकम भीड़ के बीच से होते हुए अपने घर मन्नत पहुंचे। अब घर के दरवाजे पर भी शाहरुख के फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ थी, फटाके और ढोल नगाड़ों की गूंज थी, मीडिया वाले भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। मगर जैसे तैसे सबकी नजरों से बचते हुए आर्यन को घर के अंदर तक ले जाया गया। अब घर पहुंचकर जो हुआ वो बेहद हैरानी भरा था दोस्तों। तो सूत्रों के हवाले से जो सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो आर्यन के वेलकम के लिए मन्नत में बहुत सारे लोग मौजूद थे। गौरी खान के माँ बाप और भाई भाभी और उनके बच्चे भी आर्यन से मिलने के लिए आए हुए थे। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़े कई लोग पहले से वहाँ मौजूद थे। इतना ही नहीं, वकीलों की टोली और मैनेजर पूजा की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। ये सभी मन्नत के सेकेंड फ्लोर पर आर्यन के वेलकम के लिए तैयार थे। मगर आर्यन ने घर पहुंचने के बाद किसी से बात ही नहीं की। जी हाँ, मुंबई के एक बड़े अखबार का दावा है कि आर्यन ने किसी से बात करना तो दूर, किसी से आई कांटेक्ट तक नहीं किया, किसी की तरफ देखा ही नहीं और गर्दन नीचे झुकाते हुए सीधे अपने फ्लोर पर अपने कमरे पर चले गए। जी हाँ, आर्यन खान ने ना तो माँ गौरी से बात की और ना ही दूसरे अन्य रिलेटिव्स या फिर किसी से भी आर्यन ने बात नहीं की। इसी अखबार का दावा है कि आर्यन सीधे थर्ड फ्लोर पर चले गए जहाँ आर्यन का कमरा है और आर्यन ने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया। अब पहले तो सबको लगा कि शायद आर्यन फ्रेश होने गया होगा, क्योंकि पिछले 28 दिनों से ना तो उसने ठीक से नहाया और ना ही खाया, तो वो खुद को शायद सबके सामने लाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मगर कई घंटे बीतने के बाद भी आर्यन अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। अखबार का दावा है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी कई बार आर्यन के फ्लोर पर गई, आर्यन का दरवाजा भी खटखटाया गया, मगर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। आर्यन का ये बर्ताव बेहद हैरान करने वाला था। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्यन कुछ बड़बड़ाते हुए भी नजर आए। अब आर्यन का हाल देखकर शाहरुख और गौरी बेहद घबरा गए। शाहरुख ने सीधे अपने मेडिकल टीम से संपर्क किया और आर्यन की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। अब सामने आया है कि मेडिकल टीम के एडवाइस के मुताबिक गौरी और शाहरुख ने कई बड़े बड़े फैसले आर्यन को लेकर लिए हैं, जिसमें पहला फैसला ये है कि आर्यन के साथ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने में पूरा सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आर्यन का रेगुलर मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा और सबसे पहले आर्यन का ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। कहीं जेल में किसी बीमारी के संपर्क में तो आर्यन नहीं आए, इसको लेकर सबसे पहले जांच की जाएगी। इसके अलावा आर्यन का डाइट चार्ट पूरी तरह बदला जाएगा, क्योंकि पिछले एक महीने में आर्यन ने ठीक से कुछ नहीं खाया, तो आर्यन की गिरती हुई हेल्थ को लेकर यहाँ पर काफी कुछ बदला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौरी खान चाहती है कि आर्यन की काउंसलिंग भी करवाई जाए। गौरी को फिक्र है कि जो कुछ भी हुआ है उससे कहीं आर्यन की मानसिक स्थिति खराब न हो जाए। गौरी को सीधे सीधे चिंता है कि कहीं आर्यन पागलपन या फिर डिप्रेशन की तरफ न चला जाए, इसीलिए शाहरुख और गौरी ने काउंसलर भी हायर किया है जो कि हर दिन रेगुलर आर्यन के संपर्क में रहेगा। सामने आया है कि गौरी खान चाहती है कि आर्यन के फिजिकल चेकअप के अलावा आर्यन की मेंटल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा जाए। शाहरुख और गौरी ने बेटे के लिए काउंसलिंग सेशंस प्लान किए हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के उस चैप्टर से बाहर निकल सके जिसने आर्यन को अंदर से तोड़ दिया है।
वहीं सामने ये भी आया है कि शाहरुख और गौरी ने अपने स्टाफ मैनेजर और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि आर्यन का खास ख्याल रखा जाए। आर्यन को लोगों की नजरों से दूर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आर्यन को फिलहाल पार्टी करने की परमिशन भी शाहरुख ने देने से साफ मना कर दिया है। शाहरुख चाहते हैं कि आर्यन अपने घर में रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो मन्नत के अंदर की खबर तो यही है दोस्तों कि आर्यन फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी डिस्टर्ब होकर वापस आए हैं और उनका अजीब बर्ताव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो आपका आर्यन की इस कंडीशन पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मन्नत के शहजादे को एक रात और जेल में काटनी ही पड़ी। 27 दिन के इंतजार के बाद भी आर्यन को खुली हवा नसीब नहीं हो पाई। जेल के दरवाजे आर्यन के लिए खोल दिए गए थे मगर फिर भी आर्यन को 29 अक्टूबर को भी जेल से रिहाई नहीं मिल पाई क्योंकि जेल को टाइम पर रिलीज लेटर मिला ही नहीं। शाहरुख के वकील सतीश मानशिंदे जेल तक जरूरी कागजात टाइम पर पहुंचाने में नाकामयाब रहे और आर्यन को एक रात और जेल में ही काटनी पड़ी। हालांकि तैयारी पूरी थी और इस बीच जेल में आर्यन का बर्ताव कैसा रहा, कैदियों से किस तरह आर्यन मिलते रहे वो सब आपको बताएंगे। वैसे एक महीना जेल में काटना एक साल के बराबर होता है और एक महीने में आर्यन खान को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि गलत काम अब जिंदगी में दोबारा नहीं करना है, कम से कम ड्रग्स से तो दूर ही रहना है। वैसे जेल ऐसा नर्क होता है दोस्तों जहां से बुरा इंसान भी सुधर कर बाहर निकलता है। तो लगता है कि आर्यन के ऊपर भी जेल में रहने का काफी असर हुआ है। 27 दिन जिस माहौल में आर्यन खान रहा वो 27 दिन आर्यन की पूरी जिंदगी के लिए बड़ा सबक है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आर्यन अब कभी ड्रग्स का नाम भी नहीं लेंगे। खैर फिलहाल तो खबर ये है कि आर्यन खान ने जेल से बाहर कदम रखने से पहले अपने साथी कैदियों से कई वादे किए हैं। आर्यन ने अपने साथ जेल में रह रहे कैदियों की मदद करने का भी वादा किया है। जेल स्टाफ का कहना है कि इन 27 दिनों में आर्यन का बर्ताव बिल्कुल बदल चुका है। तो जेल से बाहर आने से पहले कैसा रहा आर्यन का बर्ताव, कैदियों से क्या क्या वादे करके बाहर निकले हैं आर्यन खान, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान को जमानत 28 अक्टूबर को ही बॉम्बे हाई कोर्ट से मिल गई थी और जमानत की खबर के बाद से ही आर्यन बेहद खुश नजर आए। जेल सूत्रों की माने तो आर्यन को जैसे ही पता चला कि उनकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है वो सीधे अपने सेल में मौजूद कैदियों से गले लग गए और खुशी के मारे रोने लगे। जेल सूत्रों की माने तो आर्यन जिस सेल में रह रहे थे उसमें 100 से ज्यादा कैदी हैं और इन 27 दिनों में आर्यन की दोस्ती 10 से 11 कैदियों से होने लगी थी। शुरू में तो आर्यन किसी से बात नहीं करते थे, ना ही जेल का खाना खाते थे, मगर धीरे धीरे आर्यन कुछ कैदियों के करीब आए थे और उनसे उनकी बातचीत भी होने लगी थी। अब जेल सूत्रों की माने तो आर्यन के बाहर जाने की खबर से साथी कैदी भी बेहद खुश और भावुक हो गए। सामने आया है कि आर्यन की दोस्ती जिन कैदियों से हुई है उनमें दो अपाहिज हैं और सभी बेहद गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। दो तीन कैदी तो ऐसे हैं जिनके घर में वो अकेले कमाने वाले थे मगर जेल में आने की वजह से उनके परिवार का खाना पीना भी मुहाल हो गया है। अब जेल सूत्रों की माने तो आर्यन तो हमेशा से अमीरी में पले बड़े हैं, उन्होंने गरीबी का एहसास जेल में आकर ही किया और जब आर्यन के जेल से बाहर निकलने की प्रोसेस और कागजी कार्रवाई चल रही थी तभी आर्यन ने अपने साथ के कैदियों से मदद का वादा किया। जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक लंबे समय तक बैरक में रहने के कारण आर्यन खान के कुछ कैदियों से जान पहचान और अच्छी दोस्ती हो गई थी। आर्यन ने उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने और उन पर चल रहे मामलों में मदद करने का भी वादा किया है। आर्यन को खुद कहते सुना गया है कि वो बाहर निकलकर कुछ कैदियों की मदद करना चाहेंगे, उनकी नौकरी और इलाज का खर्चा भी उठाना चाहेंगे। सामने आया है कि कुछ कैदियों के परिवार का एड्रेस भी आर्यन ने नोट किया है ताकि वो कैदियों के परिवार तक आर्थिक मदद पहुंचा सकें। वहीं सूत्रों की माने तो आर्यन बेल मिलने के बाद से बेहद उत्साहित हैं और वो जेल स्टाफ से भी बातें करते सुनाई दिए। अपनी सेल के सुबह के स्टाफ को वो बार बार थैंक यू बोलते भी नजर आए। तो जेल सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आर्यन अब काफी बदल चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वो जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उन्हें कभी फिर दोबारा जेल का मुंह देखना पड़े। खैर अच्छी बात यह है कि आर्यन खान कैदियों की मदद का वादा करके बाहर निकले हैं। ये बात अलग है कि बाहर निकलकर आर्यन सच में उनकी मदद करते भी हैं या नहीं।